कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है और उस मुसीबत के सामने हम बहुत छोटे होते हैं। तब समझ नहीं आता कि हम भाग खड़े हों या उस मुसीबत का सामना डट कर करें। ये कहानी ऐसे समय में बहुत काम आएगी। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था, तभी एक बछड़े ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? पिता भैंसे ने जवाब दिया, बस शेरों से सावधान रहना। इस पर बछड़े ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। इस पर भैंसा मुस्कुरा कर बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। बछड़े को ये बात कुछ अजीब लगी और उसने कहा, क्यों पिताजी? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो पिताजी, फिर ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबरा कर पूछा। अगर कभी भी तुम शेर को देखो तो अपनी जगह पर डट कर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी नहीं डरे। अगर वो ना आए तो उसे अपनी तेज सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर वो तब भी ना आए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, ये तो पागलपन हुआ पिताजी, ऐसा करने से तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा थोड़ा नाराज होकर पूछने लगा। फिर भैंसे ने कहा, बेटे अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसे चारों तरफ ताकतवर भैंसों का झुंड दिखाई दे रहा था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से डटकर लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता की उस सीख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम सबके जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे हम डरते हैं, हमें लगता है कि हम भाग खड़े हों, क्योंकि समस्याएं इतनी विकराल होती हैं कि हम हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। दोस्तों, आप जिस सबक में कच्चे हैं, कुदरत आपको वैसी ही समस्याएं, वैसी ही कठिनाइयां बार बार देंगी, क्योंकि वो उसमें छिपा सबक आपको सिखाना चाहती है। अब ये आप पर है कि आप भाग जाएं या उनका डटकर सामना करें। भाग आप सकते नहीं, क्योंकि आज आप एक समस्या से भागेंगे तो वैसी ही दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी होगी, क्योंकि कुदरत का ये उसूल है कि जब तक आप उसमें छिपे सबक को न सीख लें, वो आपकी तरफ वैसी ही समस्याएं भेजती रहेगी। तो बेहतर यही होगा कि डटकर सामना किया जाए। उन्हें दिखाइए कि आप डरते नहीं हैं, दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं, और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अपने पूरी ताकत के साथ आपके पीछे खड़े हैं। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।